Hello everyone and a warm welcome from Beamish Bookworms. बच्चों, आज हम बाल भारती स्टैंडर्ड 8 की पोयम द पिलग्रिम को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोयम किसने लिखी है इस बात की जानकारी हमें नहीं है, इसीलिए पोएट के नाम के आगे अनोनिमस दिया गया है। अनोनिमस माने अज्ञात। आओ पहले पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर मैं स्टैंजा वाइज उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। द पिलग्रिम। अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ कैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम। द कैज्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम। But he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You will never again pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I've come, he said, there followeth after me today a fair-headed youth who must pass this way, the chasm which held no fears for me. To the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I'm building this bridge for him. First stanza ko lete hain. A pilgrim going a lone highway came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him. But he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Pilgrim mane, a person who is journeying to a holy place ya koi teerthyatri. Lone mane, being alone, akele. ग्रे माने डार्क, अंधेरी, धुंधली। कैज़म माने रिवाइन या खाई। वास्ट माने बिग, ह्यूज, बहुत बड़ा। ट्वाइलाइट होता है सांझ का समय, सनसेट के बाद का समय। स्पैन द टाइड माने गो अक्रॉस या पार करना। पोएट कहता है, एक तीर्थयात्री हाईवे पर अकेला जा रहा था। वह भी अकेला था और हाईवे की सड़क भी अकेली थी। उस समय वहां पर कोई और नहीं था। शाम ढल चुकी थी, कुछ मौसम में भी ठंडक आ गई थी सूरज के छिपने के बाद। ग्रे से यहां तात्पर्य है धुंधला, डार्क। ऐसे में चलते चलते उसके सामने खाई आ गई। वो खाई गहरी थी, बड़ी थी और चौड़ी भी थी। बेसिकली इट वॉज बिग एंड अ लिटिल स्केरी। लेकिन उस पिलग्रिम के लिए वो खाई डरावनी नहीं थी और उसने उसे आराम से पार कर लिया। खाई को पार करने के बाद वह आगे अपनी राह पर नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं रुक गया। रुक कर उसने खाई पर एक पुल बनाना शुरू कर दिया। आगे बढ़े। ओल्ड मैन, सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? Close of the day माने दिन का अंत यानी रात। ये माने you। ये archaic यानी old usage है, अब इस्तेमाल में नहीं आती। Eventide मतलब late evening। उस पिलग्रिम के पीछे पीछे एक यात्री और आ रहा था। उसने उस वृद्ध यात्री को देखा और पूछा कि वह अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है, उसकी यात्रा तो रात होते ही पूरी हो जाएगी और वो इस मार्ग से दोबारा नहीं गुजरेगा और न ही उस खाई को दोबारा पार करेगा। तो इतनी मेहनत करके इस धुंधलाती शाम को वह क्यों परेशान हो रहा है? ये दोनों स्टैंजा पढ़ने के बाद हमें कविता का भावार्थ भी कुछ कुछ समझ आ जाता है।
यहाँ तीर्थयात्री से पोएट का मतलब है ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी। हाईवे है उसका जीवन, कैज़म है जीवन की कठिनाइयाँ। पिलग्रिम बूढ़ा हो गया है, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। जल्दी ही उसकी इस धरती पर यात्रा पूरी हो जाएगी, अर्थात वो मर जाएगा। अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को उसने बिना डरे हिम्मत से फेस किया है, पर उसने जो मुश्किलों का, चैलेंजेस का सामना अपने जीवन में किया, उन्हें वो दूसरों को भुगतने नहीं देना चाहता। अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को यूज करके वो उन समस्याओं का हल ढूंढकर दूसरों का जीवन आसान बनाना चाहता है। आगे बढ़े। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। माई फ्रेंड इन द पाथ हैव कम ही सेड, दे फॉलोड आफ्टर मी टुडे, अ फेयर हेडेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। द कैज़म व्हिच हेल्ड नो फियर्स फॉर मी, टू द फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल बी। He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. Followed का मतलब होता है फॉलो करना, पीछे पीछे आना। Fair-haired youth का मतलब जवान लड़का। Pitfall माने ट्रैप या खतरा। पिलग्रिम अपना सिर उठाकर दूसरे यात्री से कहता है कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते पर मेरे पीछे पीछे एक नौजवान भी आ रहा था, जिस खाई को मैंने बिना डरे हौसले से भरकर पार किया। शायद उस खाई से वह डर जाए, उसमें गिर जाए, या इस धुंधले अंधेरे में, इस ट्वाइलाइट में उसे वो ठीक से नजर ना आए। इसलिए हालांकि मैं अब इस रास्ते पर दोबारा नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पुल बनाकर जाऊंगा ताकि आने वाली सभी पीढ़ियां आराम से खाई को पार कर सकें। यहां भावार्थ निकलता है, यदि हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वज मेहनत नहीं करते, आने वाली पीढ़ियों की सुख सुविधा के विषय में नहीं सोचते, तो शायद हमारी लाइव्स इतनी इजी और कंफर्टेबल आज नहीं होती। वी हैव टू थैंक ऑल द साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, एक्सप्लोरर्स and social reformers for their hard work. उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल सहकर मानव जाति की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सिंप्लीफाई किया। यहाँ पूरा होता है द पिलग्रिम का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।